दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। एक और नई गेम प्ले वीडियो में पीएस गैंगस्टर की। सो गाइस, आज आप सोच रहे हो कि प्रियांशु भाई, आपके इंट्रो में तो ना कोई जान है ना कुछ है, ना ही आप इंट्रो अच्छी तरीके से कर रहे हो। सो गाइस, ये है मेरी एक रियल लाइफ बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और यार, ये बात ज़रूर से शेयर करनी थी मुझे, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपसे काफ़ी टाइम से शेयर करना चाहता था। मैंने अपने दिल के करीबी वाली चीज़ को अपने से दूर कर दिया है। गाइस, ये बात है 15 अक्टूबर की, जब मेरे पास आए थे कुछ लोग जिनको मैंने अपनी कार सेल करनी है। अब कौन सी कार सेल करनी है, जो कि आपको पता ही होगा, मेरी फर्स्ट कार i10 नियोस। हाँ गाइस, आपको सुन के काफ़ी ज़्यादा झटका लगा होगा, लेकिन मैं अपनी ग्रैंड i10 नियोस सेल कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि भाई, ये गेम गेम में ही कर रहे हो। नहीं गाइस, ये आप तस्वीर देख सकते हो, ये उस टाइम की तस्वीर है 15 अक्टूबर की, जब मैंने अपनी गाड़ी को फर्स्ट टाइम इंस्पेक्ट करवाया था स्पीनी पे। और भाई, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन गाइस मैंने इंस्पेक्ट करवाया था, तो ये फर्स्ट टाइम मैंने ये जब इंस्पेक्ट करवाया था, और उसके बाद मुझे गाड़ी का कुछ प्राइस मिला था। और क्या फ्रेंकली, क्या बात कर रहे हो तुम, और इतनी आवाज कम में बात भी कर रहे हो। क्या रहा, तुम्हें पता है ना कि हम लोगों की फैमिली की फर्स्ट कार कौन सी थी? हाँ पता है, ग्रैंड i10 नियोस तुमने ली थी अपनी मेहनत की कमाई से और ऑडियंस के प्यार से। हाँ, अपने पीएस गैंगस्टर फैमिली के प्यार से मैंने गाइस ग्रैंड i10 नियोस ली थी। आप लोगों की वजह से मैंने वो ग्रैंड i10 नियोस ली थी, मतलब आप लोगों के प्यार की वजह से। आप लोगों ने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैंने ग्रैंड i10 नियोस टॉप मॉडल लेकर के आया था घर पे। और गाइज, वो गाड़ी मेरे दिल के करीब थी। आज से कुछ 2 साल पहले मैं उस गाड़ी को लाया था, मतलब 1 साल 11 महीने पहले लाया था, और वो मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब थी। लेकिन गाइज, आज मैंने उसको सेल कर दिया है। आप लोग सोच रहे हो कि भाई, ये क्या बात कर रहे हो, ये क्या दिमाग वमाग खराब हो गया है क्या? फ्रैंकलिन, तुम्हारा सही में दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम उसको सेल क्यों कर रहे हो? तुम्हें दिक्कत क्या है उस गाड़ी, अगर वो खड़ी हो जाएगी तो? गाइज देख सकते हो, उधर वो रही i10 नियोस को इंस्पेक्ट करने वाले लोग, जो कि यार आज सेल होने वाली है। ये i10 नियोस के देख सकते हो, अच्छी तरीके से कंपनी वाले आए हैं और गाड़ी को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन क्या कर रहा है यार, ये तू, तेरा ये क्या डिसीजन है यार फ्रैंकलिन, ये सब क्या हरकत है भाई? तू अपनी गाड़ी बेच रहा है, वो भी फर्स्ट कार जो कि तूने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी, ऑडियंस के प्यार से खरीदी थी, अपनी पहली गाड़ी क्यों बेच रहा है भाई तू? अबे यार फ्रैंकलिन खड़ी हुई है, क्या दिक्कत है भाई? यार माइकल भाई, अरे भाई क्या चेक कर रहे हो? सर, इसके टायर वायर सब चेक कर रहे हैं अच्छी तरीके से। अच्छा अच्छा चेक करो, क्योंकि गाइस अच्छी तरीके से चेकअप होगा तभी सब कुछ होगा। सर, आपको बेस्ट प्राइस देने की कोशिश करेंगे हम लोग आपको इतना बेस्ट प्राइस देंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है ठीक है भाई, बेस्ट प्राइस तो हमें चाहिए ही, बाकी यार गैंगस्टर की बैजिंग लगी हुई है। फ्रैंकलिन भैया, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? बोल नहीं रहे हैं, रो रहे हैं। ये गाड़ी को क्यों निकाल रहे हो, और क्या कर दिया ऐसा इस गाड़ी ने जो आप इस गाड़ी को इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? और हमारे घर में इतना बड़ा घर है, इतने बड़े घर में एक छोटी सी जगह नहीं है इस गाड़ी के लिए। शिनचैन भाई, रियल लाइफ में मेरे घर के पास सही में शिनचैन जगह नहीं है, तो नहीं तो मैं इस गाड़ी को जरूर रखता। फ्रैंकलिन भैया, यार आपके पास 2-3 गाड़ी खड़ी करने की जगह है रियल लाइफ में, फिर आपने इसको क्यों सेल किया? शिचन, इसका एक सबसे बात था, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने देखा है भाई, तेरे रियल लाइफ में भी तेरे घर के पास भाई 3 गाड़ी खड़ी हो सकती है सही से। और भाई ये सब तू हरकत है, मत कर भाई। फ्रैंकलिन ब्रो, गाड़ी को मत बेच यार, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है भाई हमें ये सब सुन करके। भाई मैं तो i10 नियोस को वैसे ही मजाक उड़ाते थे, और क्या, आज तक हमने बस ऐसे ही मजाक उड़ाया, लेकिन कितनी क्यूट और कितनी प्यारी सी गाड़ी है। फ्रैंकलिन आज तो दिल तोड़ रहा है यार, अगर तू इस गाड़ी को बेचता है तो। मैं इसका सबसे बेस्ट रीज़न बताता हूँ आपको कि गाइस, ये गाड़ी बेचने का क्या कारण है और इस गाड़ी को मैंने क्यों सेल किया। ये बेचने का कारण गाइस मैं आपको बताऊँगा वीडियो के एंड में,
ये सब कुछ नहीं होता फ्रैंकली भैया, आप ये हरकतें कर रहे हो, आपको ये गाड़ी सेल नहीं करनी चाहिए भाई। मैंने पहले ही बोला था कि ये गाड़ी हमारे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब है। शिनचैन तेरे दिल के करीब है, सोच भाई प्रियांशु भाई के कितने दिल के करीब होगी। लेकिन इसको सेल करने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न आ गया है, और उस चक्कर में गाइज इस गाड़ी को अब सेल ही करना पड़ेगा। और i10 Vios मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब कार है, देख सकते हो गाइज कितनी प्यारी और कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट कार है। और आप लोग रियल लाइफ में फोटोज देख सकते हो जब मैं इस गाड़ी को सेल कर रहा था, है ना गाइज। तो गाइज काफ़ी टाइम तक बात चलती रही, प्राइस नेगोशिएट और नेगोशिएशन ये चलता रहा, और जो बेस्ट प्राइस कंपनी ने मुझे दी है उसी बेस्ट प्राइस पे मुझे ये कार आखिरकार सेल करनी पड़ गई फ्रैंकलिन पर क्या हुआ यार माइकल भाई, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ। क्या हुआ फ्रैंकलिन भैया? अरे यार पहले आप लोगों का इंस्पेक्शन हो गया? हाँ सर हमारा इंस्पेक्शन हो गया। तो गाइस यार देख सकते हो फिर मैं अपनी गाड़ी को लेकर के मैं चले गया था एक जगह पर, जहाँ पे मेरे को लगा कि यार कंपनी से भी बेस्ट प्राइस कहीं मिल सकता है क्या। तो फिर मैं चले गया था गाइस आसपास की किसी डीलरशिप के पास कि वहाँ पे मुझे कहीं गाड़ी का बेस्ट प्राइस मिल जाए। और गाइस ये गाड़ी आप लोगों को, अरे यार एक सेकेंड यार चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अरे ड्राइवर भाई डोर तो क्लोज करो। अरे फ्रैंकलिन कर रहा हूँ। तो गाइस मैं ये बात आपको बता देता हूँ कि ये गाड़ी को यार मेरे सेल करने का मतलब जब मैं सेल कर रहा था इस गाड़ी को, तो भाई मेरे दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही थी। और फिर मैं इस गाड़ी को ले गया था किसी एक पास की डीलरशिप पे, जो कि यार वहाँ पे मैंने सोचा था कि वहाँ पे मुझे बेस्ट प्राइस मिलेगा। फिर क्या हुआ वहाँ पे, आपको बेस्ट प्राइस मिला या नहीं मिला? नहीं शिनचैन देखियो भाई कि क्या प्राइस मिलेगा। क्या प्राइस मिला बताओ मुझे जल्दी से। चलो भाई चलते हैं फिर मैं तेरे को बताता हूँ कि भाई क्या प्राइस मिला और क्या नहीं मिला। भाई साहब ये गाड़ी गाइस मैंने ऑन रोड खरीदी थी, ऑन कैश खरीदी थी गाइस, मैंने इस पर कोई भी फाइनेंस नहीं करवाया था, कोई भी लोन नहीं था, और मैंने अपनी 19 की एज में खरीदी थी आप लोगों को पता है ना। और गाइस ये गाड़ी को मैंने 8 लाख रुपये में खरीदा था। अरे 8 लाख में? हाँ मतलब 8 लाख से थोड़ा कम, कुछ 7,80,000 में इस गाड़ी को खरीदा था। फिर बेचो मत ना, खड़ी रहेगी। अरे यार दिखा देता हूँ यार मैं आपको आसपास का इलाका की गाइस, यार हमारे घर की आपने पार्किंग तो देख ही रखी होगी गाइस रियल लाइफ ब्लॉग में, तो यार आपने तो देखा है ना गाइस वहाँ पे गाड़ी खड़ी हो सकती है। लेकिन इसको बेचने का मेरा कारण सबसे बड़ा ये है जो कि मैं आपको बताऊँगा जल्दी से, है ना। बाकी अभी हम लेके चलते हैं डीलरशिप के पास और वहाँ पे बताता हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ। ओके सो गाइस यार चलो यार हम लोग चलते हैं भाई, पहुँच गए हैं वो डीलरशिप वाले एरिया पे जहाँ पे यार हम लोगों ने गाड़ी भाई। लेकिन फ्रैंकलिन मैं ना भाई रियलिटी में ना भाई तेरे से मजाक करता था कि भाई नियोस में ऐसी है नियोस वैसी है, क्योंकि भाई तेरे को ना ये बात चुभती थी इसलिए भाई, क्योंकि तेरी फेवरेट कार है भाई। मुझे नहीं पता था कि तेरे को इतनी बात चुभ जाएगी, तू अपनी फेवरेट कार सेल करने को जाएगा। नहीं यार चुप, तेरी कोई फेवरेट तेरी कोई बात हो क्या, मुझे बुरा नहीं लगा। अरे फ्रैंकलिन भैया फिर क्यों बेच रहे हो यार इतनी प्यारी सी गाड़ी को, अपनी पहली कार है आपकी पहली कमाई की गाड़ी को तो कोई नहीं बेचता। चलो भाई तो आ गए हम डीलरशिप पे। सैमन मुझे इस गाड़ी का रेट बता, मेरे को इस गाड़ी को बेचना है। अबे कौन सी गाड़ी है ये? है ग्रैंड i10 Vios, तेरे को तो पता ही है। अबे भाई तेरी पहली कमाई की गाड़ी है, मेहनत थी ये, कितने उसको क्यों बेच रहा है? यार मैं बेच रहा हूँ भाई क्योंकि मैं इसको बेचने का कारण है वो मैं एंड में ही बताऊंगा, तो तू बताना जल्दी यार इसका क्या है। नहीं यार इस गाड़ी का क्या है, 2 साल चल गई ना। एक साल 11 महीने। अरे तो 1 साल 11 महीने। टॉप मॉडल है? टॉप बिल्कुल, स्पोर्ट्स वेरिएंट है ये देख ले। अले अले तो इस गाड़ी के तेरे को प्राइस मिल जाएगा 4.5 लाख। क्या बकवास कर रहा है भाई तू? अले फ्लैंटलिन हाँ इतना ही मिलेगा यार, ये क्या बकवास है। अबे यार भाई 4.5 लाख कोई दुख होता है क्या भाई? मेरी गाड़ी आठ, मेरे को कम से कम ऑलमोस्ट 7,80,000 की पड़ी थी और तू मेरे को 4.5 लाख दे रहा है? हाँ और उसमें भी टैक्स कटेगा 11,000 रुपए का। किस बात का? अरे यार वो ट्रांसफर का जो ओनर ट्रांसफर की वो जो फीस होती है। बे भाई चल बे बट बे। ओके सो गाइस ऐसे करते करते मैं अपनी दूसरी डीलर पहली डीलरशिप से बाहर गया। और गाइस एक जगह तो इतनी हद कर दी कि भाई साहब मैंने एक और कंपनी पे दिखाया, वो भी इंस्पेक्ट करने आए और उन्होंने तो गाइस मेरी गाड़ी का क्या प्राइस लगाया, आप लोग यकीन नहीं करोगे भाई। मेरी गाड़ी ना आज तक कहीं एक्सीडेंट नहीं हुई थी, टच वुड भाई मेरी i10 Vios कभी भी कहीं एक्सीडेंट नहीं हुई थी, और भाई ना ही i10 Vios में एक भी स्क्रैच था।
आइटन नियोस बिल्कुल चमचमाती हुई नई नवेली दुल्हन की तरह गाड़ी होती मेरी। और गाइस उस गाड़ी को इन लोगों ने भाई साहब 4 लाख रुपए की कीमत लगाई थी भाई दूसरे डीलरशिप पे। भाई 4 लाख रुपए कोई सेंस बनती है क्या? आप लोग सोच सकते हो भाई 4 लाख रुपए यार हद होती है। और भाई क्योंकि इन लोगों को इस पे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना था, 2-3 लाख रुपए कम से कम, 2 लाख रुपए तो कमाते हैं ये लोग, क्योंकि मेरे से 4 लाख रुपए लेकर के ये लोग 6 लाख में बेचते हैं। क्योंकि ये न्यू, अगर ब्रांड न्यू गाइस आइटम न्यूज स्पोर्ट्स मॉडल कोई लेने जाए ना तो गाइस उसको ये मॉडल पड़ेगा कुछ 8.5 लाख रुपए में। अब 8.5 लाख रुपए की गाड़ी ब्रांड न्यू कोई लेने जाए और फिर वो सोचेगा कि यार हम 6 लाख रुपए में लेते हैं और ये लोग भाई मेरे से 4 लाख में लेने को तैयार थे। तो फिर हमने वापस से डिसाइड किया कि जो हमने सबसे पहले इंस्पेक्ट किया था भाई उसको ही हम कॉल करके बुला लेते हैं, है ना। तो अच्छा, तो फ्रेंकली फिर उसको ही कॉल करके बुलाया? हाँ भाई, मैंने उसको ही कॉल कर दिया और मैंने उसके प्राइस को एक्सेप्ट कर दिया। और गाइस मैं बताता हूँ कि फिर मैंने गाड़ी कितने में सेल करी। हेलो, अरे अरे सर बोलिए, क्या बात है? आपके साथ आपकी इंस्पेक्ट कर दी थी और हम लोगों ने प्राइस बता दिया था, आपने कुछ जवाब नहीं दिया। पर मैं अब जवाब दे रहा हूँ, आ जाओ भाई मेरी गाड़ी को ले जाओ। अरे अरे सर ठीक है हम आ जाते हैं, हम 5 बजे तक पहुँचेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। सो गाइस फिर हमारे घर पे 5 बजे वो बंदा आया था। फ्रैंकलिन भैया, तब तक आपकी कैसी हालत हो गई थी? चिंचन, मेरे को तब तक सब कुछ नॉर्मल था गाइस, सब कुछ नॉर्मल था कि आइटम न्यूज ही तो जा तो रही है यार, अगर ये जाएगी तो फिर कुछ आएगा, है ना। तो भाई इसलिए मैंने यार क्या बोलते हैं इसको नहीं सेल किया था, मतलब सेल मतलब इतना मेरे को दुख नहीं हुआ था। उसी बीच चिंचन मैं एक शोरूम पे गया था जहाँ पे मेरे को अपनी न्यू कार प्लान करनी थी। न्यू कार के चक्कर में बेच रहे थे? और क्या भाई, जो कि हम न्यू कार प्लान कर रहे थे। और गाइज आप लोग गैस कर सकते हो कि यार ये कौन सी कार हो सकती है? देखो मैं यहाँ पे फोटो डाल देता हूँ कि आप गैस करो कि यार ये कौन सी कार है जो मैं यार लेने की प्लान कर रहा हूँ, है ना। आप लोग ही गैस करके बताओ। तो भाई ये सब चक्कर था। और भाई देखो, अगर आप लोगों को भाई न्यू कार का भाई डिलीवरी ब्लॉग चाहिए तो भाई वो भी हम ज़रूर से लेकर के आएंगे। अरे फ्रेंकलिन भैया तो पक्का जल्दी से? हाँ भाई हाँ, डिलीवरी ब्लॉग भाई रियल लाइफ ब्लॉग आएगा गाइस। आप ये मत सोचो कि चैनल की ये गेमिंग वीडियो चलेगी, नहीं भाई रियल लाइफ ब्लॉग आएगा। फ्रेंकलिन भैया फिर वो क्या हुआ? हम उस शोरूम पे गए, मैंने भाई उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली जिस गाड़ी पे मेरी फोटो है। तो भाई मेरे को उस गाड़ी को चला के इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, इतना ज़्यादा मज़ा आ गया ना कि मैं आइटन न्यूज का गम सब भूल गया। सही बताओ? और क्या भाई, चीज़ें सब भूल गया। लेकिन जैसी शाम नज़दीक आने लगी मेरी यार धक धक फटने लग गई। जब तक वो लोग लेने को आ रहे थे गाड़ी, और क्या भाई सब कुछ वो लेकर आ रहे थे और जब तक शाम होने आई थी मेरी धक धक बढ़ते जा रही थी। अरे अब तो मेरी भी धक धक बढ़ रही है फ्रेंकली भैया, यार मेरे को तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, आइटम न्यूज को क्यों बेच रही हो यार? अरे यार हिमावारी अब तो आ ही रहे हैं वो लोग। सर जी आ जाइए। हाँ आ रहा हूँ। ओके तो गाइस देखते हैं। सर जी आप गाड़ी को मत बेचिए सर, प्लीज सर। सो फाइनली गाइस शाम हो गई। बात अब मैं फिर बोल रहा हूँ यार, फ्रैंकलिन यार क्यों बेच रहे हो यार फ्रैंकलिन? अरे क्यारा मैं क्या करूं? तो फिर मेरे से बात मत करना। अरे यार क्यारा, अरे यार माइकल भाई, फ्रैंकलिन क्यारा को नहीं पता ना कि तू नई की न्यू कार की प्लान कर रहा है, क्यारा को लग रहा होगा। तो गाइस यार देख सकते हो इस पीडी वो क्या बोलते हैं आ गए हैं भाई कंपनी वाले, और लास्ट टाइम इंस्पेक्शन एक बार चल रहा है तो इंस्पेक्ट करने देते हैं। बाकी हमने गाड़ी में से सारा सामान जो भी है सब कुछ निकाल दिया है। हाँ फ्रैंकलिन सर आपकी पेमेंट प्रोसेस हो गई है। प्रोसेस हो गई है तो पेमेंट आती ही होगी ना? हाँ सर आपकी पेमेंट आती ही होगी, 1 घंटे का टाइम होता है। फ्रैंकलिन भैया पेमेंट आते के साथ ही ये गाड़ी आई उनकी? हाँ सिंचन पिंचन हिमावारी ये गाड़ी उनकी। भाई मैं नहीं सोच सकता ये गाड़ी को अपने आंखों सामने से जाते हुए, क्योंकि भाई देख दिस कार इज टोटली करीब टू माय हार्ट। बात अब यार चलो यार जाने दो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई तू अभी बोल रहा है तू ऐसा, बेटा जाने के बाद जो तेरा हाल होगा ना भाई मैं भी सोच सकता हूँ। आपकी गाड़ी की दोनों चाबी हमें पकड़ा दीजिए, ये लिखा हुआ है ग्रैंड आइटम न्यूज, हमने आपकी नेम प्लेट अभी नंबर प्लेट हटा दी है, अब हम कंपनी वालों की जिम्मेदारी है। अच्छा हाँ सर आपकी पेमेंट आ गई? हाँ पेमेंट आ गई, मुझे रिसीव हो गई है। हाँ सर तो अब ये गाड़ी को हम ले जाएँ? ले जाने से पहले मैं एक बार ड्राइव कर लूँ? हाँ सर ले जाइए, ड्राइव कर लीजिए एक बार। चलो भाई एक बार ड्राइव कर लेते हैं। सो गाइस फिर हम निकल गए थे एक ड्राइव के लिए, क्योंकि गाइस मेरा बहुत ज़्यादा ही मन भारी हो रखा था और इसलिए मैं ड्राइव करने के लिए मम्मी पापा और अपने भैया के साथ निकल गया था। ठीक है, और भाई मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया और हम लोग काफ़ी टाइम की हम भी चला मकान इसी नहीं बनवाया।
कीचड़ में, कांद में, बारिश में। वीडियो बनाया लास्ट टाइम की। सबसे बड़ी बात ये है कि इस चलते में आवाज, इंजन की आवाज नहीं है। बैक साइड करी और मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा क्योंकि मेरा गाड़ी से उतरने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और मन तो क्या है यार, मन इतना ज़्यादा भारी हो रखा था कि मैं क्या ही बताऊँ। और इतना ज़्यादा अजीब मन हो रहा था, गाड़ी खड़ी करने की जगह थी, सब था, लेकिन मेरे को फिर भी अपनी ये चाहिए थी और पहली गाड़ी निकालनी पड़ गई, बेचनी पड़ गई। इसका रीज़न मैं जस्ट अभी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था। और ये आई टेन में वो व्यक्ति बैठ करके अपनी आइटम को देखो किस तरीके से निकल गया, और उधर ही गाइस मेरा बहुत ज़्यादा तरीके से रोना निकल गया। पूरे दिन तो मैं फ्रेश था क्योंकि मैं नई गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करके आया, लेकिन गाइस उसके बाद जब मैं अपनी गाड़ी को किसी और को देखता हुआ चला रहे थे, मतलब किसी और को चलाते हुए देखा, तो भाई मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट गया। और मेरी पहली गाड़ी जो ले गया भाई, फिर मैं अपने कमरे में जा कर के फूट फूट कर रोया, क्योंकि गाइस ये मेरे दिल की करीबी कार थी और ये जो हुआ था बहुत ज़्यादा ही अजीब। और मेरे साथ ये पहली बार चीज़ थी कोई मेरी करीबी थी मेरे से दूर गई, तो गाइस जो कि मेरी चहेती चीज़ थी आई टेन न्यूज, तो मैंने हेल्प कर ये अपनी आई टेन न्यूज जारी है। फिंचन बाय बाय कर दे भाई। फ्रैंकलिन भैया आपका बुरा हाल हो रहा है मुझे पता है, अरे अरे भाई संभल के ले जाना। सर चिंता मत करो, अरे इसको अब तो हमारी जिम्मेदारी है, अब हमें यार और भी जगह पे जाना है ना इसलिए। चलो भाई ठीक है भाई, बाय बाय आई टेन न्यूज, अब आज के बाद तू मुझे कभी नहीं दिखेगी, अरे बाय आई टेन न्यूज। फ्रैंकलिन कहाँ जा रहा है? अरे अरे कुछ नहीं माइकल भाई। अरे अरे फ्रैंकलिन किधर जा रहा है? अरे रोको भाई इसको, किधर जा रहा है भाई ये, किधर नहीं जा रहा? अरे यार ये तो पता नहीं किधर निकल लिया। अरे फ्रैंकलिन सर रुकिए सर, किधर जा रहे हो आप? अरे सर होता है सर, अरे सर कोई बात नहीं सर, अरे अरे सर, अरे सर तो बिल्कुल भी बात सुन नहीं रहे हैं। फ्रैंकलिन भैया मैंने बोला था ना आपकी हालत खराब होगी, आप यार ये सब चीजें मत करो, अब क्यों करते हो जब आपका दिल इतना मजबूत नहीं है तो। बात मैंने तो पहले ही बोला था इसको सेल मत कर भाई, सेल मत कर। चलो बच्चों शांत रहने दो इसको। लेकिन वो देखो यार फ्रैंकलिन भैया खुद इतने परेशान हो गए, क्यारा भाभी ऊपर से अपसेट हो गई, अब यार फ्रैंकलिन भैया को ये नई सेल करनी चाहिए थी। गाइस ये गाड़ी ना हम लोगों की बहुत ज़्यादा करीबी थी, इस गाड़ी ने हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस पर टूर करते थे, काफ़ी ज़्यादा हमें चलते थे, ये गाड़ी हमें काफ़ी सपोर्ट करती थी, लेकिन आज फ्रैंकलिन भैया ने इसको सेल कर दिया। गाइस इसका कारण ये था, मैं बता देता हूँ, फ्रैंकलिन भैया को एक ब्रांड न्यू कार लेनी है, और ब्रांड न्यू कार लेने के कारण से फ्रैंकलिन भैया ने ये कार सेल कर दी। देखो शिवचंद ये भी तो ब्रांड न्यू थी ना। लेकिन फ्रैंकलिन भैया बस एक सेफ्टी वाली कार देखना चाहते थे। सेफ्टी वाली? पर सेफ्टी वाली कौन सी कार? वो तो वही जाने, और वो तो आगे डिलीवरी ब्लॉग में पता चलेगा आपको, लेकिन फ्रैंकलिन भैया एक सेफ्टी वाली कार देखना चाहते थे। क्यों आई टेन न्यू उसमें सेफ्टी नहीं थी क्या? नहीं बात आई टेन न्यू उसमें सेफ्टी नहीं थी, ये दो स्टार लेके आई थी, और भाई सब इसलिए भाई फ्रैंकलिन कहता था कि आई टेन न्यूज सब बढ़िया है, लेकिन आई टेन न्यूज में सिर्फ सेफ्टी की कमी है और क्या। और फ्रैंकलिन भैया को थोड़ी सी अच्छी गाड़ी चाहिए, मतलब अच्छी मतलब वो बड़ी गाड़ी चाहिए थी, इसलिए फ्रैंकलिन भैया ने इसको सेल कर दिया। और उसके घर के पास तो यार अच्छी खासी जगह थी शिनचैन, पर पता नहीं फ्रैंकलिन भैया ने क्यों से वो तो मुझे पता है, लेकिन ये भी तो है ना कि फिर फ्रैंकलिन भैया दो गाड़ी अपने पास रख के क्या करते। हाँ बात तो सही है, इसलिए उन्होंने एक गाड़ी सेल कर दी। गाइस आप लोग ये सब सोच रहे होगे ना। अरे अरे चलो यार फ्रैंकलिन को नॉर्मल होने दो, फ्री हो, मुझे लगता है कल सुबह तक ही नॉर्मल हो पाएगा। सो गाइस सुबह हो चुकी है, जा चुकी है आई टेन न्यूज़,
और बहुत ज़्यादा दुख था, बहुत ज़्यादा मतलब छाती भाई बिल्कुल भारी सी हो रही थी। तो इसलिए गाइस मैं जाके अपना जो भी फूट फूट कर रोया और भाई साहब अपना मन को हल्का किया। प्यारा मुझसे कल से बात नहीं कर रही है, सिंचन इमावारी पिंचन वहाँ पर ही खड़े हुए हैं जब से कि, क्योंकि इन लोगों को चाहिए कि भाई आई टेन न्यूज आ जाती। और फ्रैंकलिन आ गया बंदरों की तरह? अरे आ गया माइकल भाई, अब ठीक है? अरे माइकल भाई बस थोड़ा सा रहता है। हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं, ओके अब तो बता दे पब्लिक को कितने में सेल करिए। तो गाइस इसका मुझे कहीं पे भी प्राइस नहीं मिल रहा था क्योंकि 2 साल होने को आई थी, ऊपर से भाई तो इसका कोई प्राइस नहीं मिल रहा था। तो भाई मुझे एक कंपनी ने 5,44,000 ऑफर किए थे इस कार, तो मैंने और उस पर भी गाइस मेरा 2 जगह पे चालान हो रखा था कुछ 3,000 रुपये का, तो वो कैंसिल हो के गाइस मेरे को 5,41,000 रुपीज़ मिले। फ्रैंकलिन अच्छा 5,41,000? हाँ हाँ। तो गाड़ी थी मेरी 7,80,000 और मुझे मिले 5,44,000। आई नो आप लोग बोलोगे ये कम है, लेकिन गाइस मुझे कहीं और प्राइस मिला नहीं और इंडिविजुअल पे मैं भरोसा कर नहीं सकता, तो इसलिए यार मैंने कंपनी पे भरोसा किया जो कि 1500 करोड़ की कंपनी है। तो भाई उस कंपनी पे मैंने भरोसा किया और फिर मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पे सेल कर दी, जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा दुख और मन हल्का नहीं हुआ है। तो गाइस चलो यही थी आज की वीडियो, और गाइस आपको नई वाली की बारे में देखना है तो भाई वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, जब मैंने आपको ये शेयर किया तो मैं वो भी ज़रूर से शेयर करूँगा। तो गाइस चलो यार यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी, वीडियो अमेजिंग लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।